हेलो फ्रेंड्स, तो नवरात्रि आ रही है तो मैं बनाने वाली हूँ नवरात्रि स्पेशल सूजी के स्वादिष्ट हलवे। तो चलिए बनाते हैं सूजी के स्वादिष्ट हलवे। तो फ्रेंड्स, सूजी का हलवा बनाने के लिए मैंने गैस कढ़ाई पर बैठा दी। फ्रेंड्स, कढ़ाई गर्म हो चुका है, मैं इसमें एक चम्मच घी डालूंगी फ्रेंड्स और इसे गलने दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा घी अच्छी तरह से गल चुका है। अब इसमें हम सूजी डालने वाले हैं फ्रेंड्स। तो सूजी मैंने 100 ग्राम लिए हैं फ्रेंड्स। तो चलिए इसको हम सूजी को डाल देते हैं। घी गल चुका है फ्रेंड्स, तो एक बार अपने घर पर जरूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। ये नवरात्रि में फलाहार के रूप में भी आप इसे खा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब सूजी को अच्छी तरह से भूनना है। ज्यादा नहीं भूनना है, मतलब हल्का गोल्डन करना, सुनहरा टाइप का भूनना, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है सूजी की। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा सूजी भुना चुका है। तो अब इसमें हम डालने वाले हैं मिल्क। तो फ्रेंड्स, मैं दूध 1 गिलास ली हूँ, आप दूध से जरूर बनाइएगा, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है फ्रेंड्स। तो चलिए इसको दूध डालकर इसको थोड़ा डबकने देंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए थोड़ा डबक चुका है। तो चलिए इसमें अब हम चीनी डालते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैंने 100 ग्राम सूजी में 75 ग्राम चीनी लिए हैं। तो चलिए इसको अब हम डाल देते हैं फ्रेंड्स। और इसको ज्यादा पकने में टाइम भी नहीं लगता है, बस जब तक चीनी नहीं गल जाता तब तक हमको इसको पकाना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा पक चुका है, इसमें कोई इलायची पाउडर भी नहीं डालिएगा, ऐसी ये बहुत स्वादिष्ट लगता है फ्रेंड्स, एक बार घर पर जरूर ट्राई करिएगा। ये देखिए मेरा सूजी बन चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसको उतार लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी ये नवरात्रि स्पेशल सूजी के स्वादिष्ट हलवे की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना नहीं भूलिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।